हमारे वरिष्ठ साथी कैलाश जी त्रिवेदी, नौजवान नेता धीरज गुर्जर जी, आदरणीय कैलाश जी व्यास, अक्षय त्रिपाठी जी, अनिल डांगी जी, गंगाबेलाल जी मेवाड़ा, महावीर जी मोची, प्रदीप कुमार सिंह जी, नंदराम जी कुमावत, दुर्गा पाल सिंह जी, याकूब साहब, नादुराम जी भोगड़ और अशोक जी कोठारी, नवनीत जी सोमानी, पारस जी चौधरी, लगाराम जी किशोरी गुजर, पालकनाथ जी महाराज साहब, सदुराम दास जी महाराज साहब, राजन देगा जी, सुशीला जी सालवी, पूर्व जिला प्रमुख, ऊपर तमाम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि रामलाल जाट ने पहल करके एक शानदार मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इतनी बड़ी तादाद में आपको मैं देख रहा हूँ, कई मरीजों को देखा मैंने, व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और मैं बहुत प्रभावित हुआ। गांव में ढाणी के अंदर कई बीमारियाँ लग जाती है, होती है, समय पर इलाज मिलता नहीं है, बीमारी बढ़ती जाती है। इसलिए समय समय पर जो हमारे सब सेंटर है, पीएससी है, सीएससी है, उनका काम है कि ऐसे बीमार व्यक्ति को या ऐसी बीमारी लगी हुई व्यक्ति को जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती वहाँ पर, तो सब सेंटर या पीएससी ये कह के नहीं अपने कर्तव्य पूरा कर सकते हैं कि ये बीमारियाँ ठीक नहीं हो सकती, इलाज नहीं कर सकते। उनकी जिम्मेवारी है वो सुनिश्चित करे गंभीरता के साथ में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएमएचओ को इतला करे उसके बारे में। हर व्यक्ति का अधिकार है उसको सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवा अच्छी मिले, वो इतला करेगा तो फिर उसका इलाज सत्य ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर होगा या जयपुर में होगा, जैसी बीमारी होगी वैसा इलाज होगा। इतना होगी नहीं और एक व्यक्ति के पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, उसके अभाव के अंदर वो गांव में बीमार पड़ा रहता, धीरे धीरे हालत और खराब हो जाती है। एक पेशेंट को मैंने देखा, अभी 5 साल अपने खाट पे ही बैठे हुए हैं, स्वस्थ है, वैसे पैर कट गया किसी कारण से, वापस जोड़ा हुआ पैर को, आगे ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ा काम है कि हम सब मिलकर के जब तक ये भावना पैदा नहीं करेंगे कि राजस्थान स्वस्थ रहे, राजस्थान का हर नागरिक सुविधा प्राप्त करे मेडिकल की, और तो और अभी एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है सरकार, रघु शर्मा जी ने आपको इशारा किया कि किस प्रकार से अभियान चलाया जाए, लोगों में ऐसा इस बात का हो बचाव है, वही असली इलाज है बीमारी का, बीमार पड़ो ही नहीं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और वो तब होगा तब हम लोग जो इसके लिए अलग से प्रोग्राम बना रहे हैं, जागरूक करने का सब लोगों को, अच्छा स्वच्छ माहौल बने, पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषण नहीं हो, साफ सफाई रखी जाए, इन्फेक्शन नहीं लगे, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ वायु मिले, तो बीमारी लगती बहुत कम लगती है। तो सरकार की मंशा है कि हम लोग बड़े रूप में राजस्थान को पूरे देश के अंदर स्थापित करें, राजस्थान मेडिकल सेवाओं में सिरमौर है देश का, ये हमारी भावना है सरकार की तरफ से। इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले आपके आशीर्वाद से, मैं मुख्यमंत्री था 20 साल पहले, तब हमने एक प्रोग्राम निकाला बीपीएल के लिए, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, जिसमें कोई सीमा नहीं थी इलाज की, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितने खर्च रहा हूं सरकार दे रही थी। प्रचार प्रसार के अभाव में मेरे को उस पर अनुभव है, जितना लाभ मिलना चाहिए लोगों को, जितनी बात पहुंचनी चाहिए गांव तक वो पहुंची नहीं, पर फिर भी कई लोगों ने लाभ उठाया। दूसरी बार आपके आशीर्वाद में बना मुख्यमंत्री, तो हम लोगों ने दवाएं फ्री, 600 दवाएं फ्री करी, अब तो 900 दवाएं करने जा रहे रघु शर्मा जी, जल्दी समृद्ध हो जाएगी, होने लग गई है। जिसमें कैंसर की बीमारी हो, किडनी की हो, लीवर की हो, एक ही बीमारी के कई
एक एक डेढ़ लाख रुपए खर्च होते हैं, ऐसी बीमारियां भी होती है, उसका इलाज भी फ्री, 5,000 का इंजेक्शन फ्री। इस प्रकार से बड़े रूप में हम लोगों ने निःशुल्क दवा योजना चालू करी थी। उसके अलावा हमने निःशुल्क जांच योजना, सोनोग्राफी करनी है, डायलिसिस करना है, बुजुर्ग है तो सीटी स्कैन और MRI फ्री है, इस प्रकार कई कदम उठाए गए हैं। आने वाले वक्त हम चाहेंगे कि आयुष्मान भारत की योजना जो भारत सरकार की है, बाबा साहब योजना राजस्थान सरकार की थी, कई शिकायत आ रही थी करप्शन की भी, उनको रोकने का हमने प्रयास किया है। हम चाहते हैं कि पूरा संसाधन लगे स्वास्थ्य सेवाओं में और राजस्थान के अंदर पूरा लाभ मिले इन स्कीमों का बीमा कंपनियों के माध्यम से। तो आज मैं इस स्कीम में आया हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सबसे मिलना हुआ। लघु शर्मा जी ने बता दिया आपको किस प्रकार से विस्तार हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस, हाल ही में 10 मेडिकल कॉलेज सेंक्शन कर रहे हमने भारत सरकार थी। 60% पैसा देगी भारत सरकार और 40% देगी राजस्थान सरकार, तब कॉलेज बनेगी। अभी खबर आ रही थी थोड़े समय पहले ही, लघु शर्मा जी बात कर रहे थे, 5 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को और मिलने जा रहे हैं। इस प्रकार करीब करीब राजस्थान हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, इस बात की हमें प्रसन्नता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इन कैंपों का अपना महत्व है, इन कैंपों के माध्यम से घर बैठे हुए चिकित्सा सेवाएं मिल जाती हैं। ऐसे कैंप लगातार लगे दानदाताओं के सहयोग से, मैं तमाम उन दानदाताओं का भी भामाशाहों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने रामलाल जी को इमदाद करी है इस बड़े कैंप में लगाने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि समाज हमेशा आगे आया है, सब काम सरकार अकेले नहीं कर सकती, जब तक समाज का सहयोग मिले तब जाके कोई स्कीम भी कामयाब होती है। तो मुझे खुशी है कि ये कैंप बड़ा शानदार कामयाब होते जा रहा है, कामयाब होगा तो सबको लाभ मिलेगा, दिव्यांगों को भी अभी मोटरसाइकिल दी जा रही है, स्कूटी दी जा रही है, इस प्रकार से सब लोगों का ध्यान रखने का काम यहाँ पर सफल होने जा रहा है। और मैं आपको और आपके परिवार के लिए दीपावली गई उसकी शुभकामनाएं, आपके सुख दुख में सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। इसकी वजह पेंशन की हो, चाहे दवाओं की हो, चाहे छात्रों की स्कॉलरशिप की हो, लैपटॉप की योजना हो, योजना कई तरह की हमने बना रखी है और आगे योजनाएं आएगी, उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिलेगा। राजस्थान चहुंमुखी विकास करे, चाहे पानी की योजना है, बिजली की है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, उसमें हम लोग लगे हुए हैं। अब इस कैंप में मौके पर शिविर लगा स्वास्थ्य का, इसलिए मैं यही अपनी बात समाप्त करके रामलाल जारजी को, इनकी तमाम ट्रस्ट को, और रामलाल जी बता रहे 15,000 हेलमेट भी देने जा रहे हैं, गौशाला का काम भी करेंगे। हेलमेट लगाना बहुत आवश्यक है, आप सोच सकते हैं कि कितनी मौतें होती है हेलमेट के अभाव के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर, आंकड़ा बड़ा खतरनाक है, 2-2.5 लाख मरते प्रतिवर्ष एक साल में पूरे देश के अंदर, 50,000 के आसपास मर जाते हैं हमारे अपने प्रदेश के अंदर। अगर थोड़ी सावधानी रखें हम लोग तो बचाव हो सकता है, कैजुअलिटी कम हो सकती है। ये काम तमाम सरकार सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, क्षमा के सहयोग से आगे बढ़ाएगी, ये बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। तो अभी आप यहाँ पर CM अशोक गहलोत को सुन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर के बारे में बातें की हैं, यहाँ पर क्या कुछ बातों का जिक्र किया है अभी सुना आपने।